नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा जो आपका एंग्जायटी को एकदम से कम कर दे, पैनिक डिसऑर्डर और एंग्जायटी का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी उससे बन जाए। ये वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। एंग्जायटी के बारे में मैं मेरा पहले वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं, मेरा वो पहला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। एंग्जायटी क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, ये सब आपको जानना चाहिए। एंग्जायटी का एजुकेशन ही सबसे पहले चीज आपका एंग्जायटी क्योर करने वाला चीज होता है। समझ लीजिए, एंग्जायटी एक डरावनी चीज है, एंग्जायटी बहुत दुखदायक चीज है। एंग्जायटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जायटी अटैक, पैनिक अटैक, ये सब आता है तो बहुत हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, कभी कभी शरीर में दर्द होता है, मन में दर्द होता है, हम बेचैन हो जाते हैं। मगर ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपका शरीर का फाइट और फ्लाइट सिम्टम्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू करता है आपका फियर के वजह से, डर के वजह से, इसलिए आपको एंग्जायटी सिम्टम्स होता है। किसी भी हालत में आपका एंग्जायटी सिम्टम्स आपके लिए, आपका शरीर के लिए या आपका मन के लिए कभी भी हानिकारक नहीं है, ये समझ लीजिए पक्का। तो वही से आपका एंग्जायटी और पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी बताऊंगा जिसके वजह से आपका शरीर में, सो हम फील गुड हॉर्मोन्स बोलते हैं, कुछ ऐसा हॉर्मोन है, एक बंच ऑफ हॉर्मोन्स है जिसको हम एंडोर्फिन बोलते हैं। ये एंडोर्फिन आपका शरीर में उत्पादन होने से आपका शरीर को अच्छा लगता है, आपका दिल और दिमाग को अच्छा लगता है। इसलिए ये हॉर्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना है हमारा मकसद। और स्ट्रेस का हॉर्मोन, तनाव का हॉर्मोन है कोर्टिसोल, इस तनाव का हॉर्मोन कोर्टिसोल को कम करना है। मतलब ये हुआ, फील गुड हॉर्मोन्स एंडोर्फिन को बढ़ाना है और कोर्टिसोल को कम करना है, आपको अच्छा लगेगा, स्ट्रेस कम लगेगा, उसके साथ में नींद अच्छा आएगा। और आपको जब अच्छा लगता है, स्ट्रेस कम लगता है, नींद आपको अच्छी तरह से आता है, तो अगला दिन आपको स्ट्रेस और कम लगेगा, उसके वजह से आपको एंग्जायटी अटैक और पैनिक अटैक नहीं होगा। तो ये जो मैं एक्टिविटीज बता रहा हूं आप जरूर अपनाइए और कीजिए। सबसे पहला एक्टिविटी पक्का एक्सरसाइज ही है, शारीरिक व्यायाम। आप शारीरिक व्यायाम कैसे कैसे करते हैं, वॉकिंग के लिए आप जा सकते हो, जॉगिंग के लिए जा सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइज, आपका हृदय का कुछ एक्सरसाइज बनता है, एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। कोई भी आउटडोर गेम खेल सकते हो, बाहर जाके फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल वगैरह आप खेल सकते हो बाहर जाके। योगा कर सकते हो, घर के अंदर या बाहर आप योगा कर सकते हो। डांसिंग कर सकते हो कोई भी म्यूजिक के साथ में, अकेले कीजिए यानी फिर तो दूसरों के साथ में कीजिए। ये जो एक्सरसाइज मेथड्स में बताया था ये आपको अपनाना है, कोई भी एक एक्सरसाइज जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। जिम्नेशियम का एक्सरसाइज मैं करने के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि जिम्नेशियम का एक्सरसाइज में मन और तन के लिए एक्सरसाइज नहीं होता, सिर्फ तन के लिए होता है, मन के लिए एक्सरसाइज नहीं होता। अगर आप बाहर जाके कोई भी गेम खेलेंगे, आउटडोर गेम्स खेलेंगे, तो आपका तन और मन दोनों जो गेम खेल रहे हैं उसमें पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट फोकस्ड रहता है, इसलिए आपका मन और तन के लिए उधर एक्सरसाइज बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो एक्टिविटीज में बता रहा हूं, बाहर जाके वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कोई भी आउटडोर गेम्स खेलिए, योगा कीजिए, डांसिंग कीजिए या नहीं तो एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, ये सब करने से आपका शरीर में एंडोर्फिन बहुत ज्यादा बढ़ता है, कोर्टिसोल का लेवल कम होता है, एक्सरसाइज करने से पक्का आपको अच्छा नींद आता है, तो आपका एंग्जायटी लेवल काफी कम होता है। अगला एक्टिविटी है हगिंग, किसी को गले लगना और सेक्स। किसी को गले लगना, आप किसको गले लगाओगे, अपना अपने लोगों को गले लगाओगे, अपने लोग, आपका माँ, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, दोस्त, या मियां बीवी को या बीवी हस्बैंड को, बच्चों को गले लगाएंगे तो आपका शरीर में आपको अच्छा लगता है, एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है, स्ट्रेस हॉर्मोन कम हो जाता है। यही होता है जब आप सेक्स करते हो तो
तो भी, सेक्स करने से भी आपका एंडोर्फिन बढ़ता है, स्ट्रेस हॉर्मोन कम होता है, ऊपर से आपको शारीरिक व्यायाम भी मिल जाता है। ट्रैवलिंग करना अच्छा रहेगा, आप यात्रा पे जाइए, कहीं भी घर से दूर यात्रा पे जाएंगे, हम इसको डायनामिक एक्टिविटी बोलते हैं। डायनामिक माने हमेशा बदलते हुआ, जब आप एक्टिव मतलब जब आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे आप जो चीज देखेंगे बदलता रहेगा, जिन लोगों से मिलेंगे बदलता रहेगा, आपका जो एटमॉस्फेयर है बदलता रहेगा, सब कुछ बदलता रहता है। जब सब कुछ बदलता है तो आपका मन कभी भी सुस्त नहीं रहेगा, लेजी नहीं रहेगा, उसके साथ में जो बदलता है उसके साथ आपका मन भी भागना शुरू कर देगा, तो इसलिए आपको स्ट्रेस कम लगता है। ट्रैवलिंग और साथ में आप ड्राइविंग भी करोगे तो और अच्छा है, आपका स्ट्रेस कम लगता है। और आपको जो एक्टिविटी अच्छा लगता है, किसी किसी को ड्राइविंग अच्छा लगता है, किसी किसी को बाइक चलाना अच्छा लगता है, किसी किसी को ट्रैवलिंग बस में जाना अच्छा लगता है, किसी किसी को ट्रेन में जाना अच्छा लगता है, किसी किसी को गार्डनिंग करने में अच्छा लगता है, किसी किसी को टेलरिंग करने में, सिलाई करने में अच्छा लगता है, जो भी एक्टिविटी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। जब आप ऐसा अच्छा लगा हुआ एक्टिविटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और एंडोर्फिन बढ़ जाता है, इसके वजह से आपको अच्छा लगेगा। अगला चीज आप कर सकते हो अपने पेट्स के साथ, मतलब कोई भी जानवर को आप अपना घर में अगर पालते होंगे उसके साथ थोड़ा टाइम बिताइए, उसके साथ डेली 10 या 15 मिनट आधा घंटा तक अगर आप बिताएंगे, उसके साथ खेलेंगे, तो नेचुरली आपको स्ट्रेस फ्री फील होगा। उसके साथ में आप एक चीज और कर सकते हो, घरेलू काम जो भी, अगर क्लीनिंग वगैरह करना है क्लीनिंग कीजिए, मन लगा के कीजिए, ये सब मैं पहले बोला था, जो एक्टिविटी आपको अच्छा लगे वो एक्टिविटी मन लगा के कीजिए, कभी भी सुस्त होके एक जगह पे मत बैठिए, कभी भी लेजी अपने आप को फील मत कीजिए। ये करने से जो मैं आपको एक्टिविटीज अभी बताया था, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, हगिंग हो गया, सेक्स हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, हॉबीज हो गया, ये सब एक्टिविटी आप करेंगे, अहम चीज ये है कि आपका शरीर में एंडोर्फिन बढ़ता है। एक और एक्टिविटी सबसे अहम एक और एक्टिविटी है, वो है हंसना, ऊंची आवाज में हंसना। आप जोक सुनिए, जोक पढ़िए और जोक वाली वीडियो देखिए, कॉमेडी वीडियो देखिए, कॉमेडी मूवीज देखिए, मन खोल के दिल खोल के हंसिए। जितना ज्यादा आप दिल खोल के हंसेंगे, आपका फैमिली के साथ आप हंस सकते हैं, आपका फ्रेंड्स के साथ हंस सकते हैं, हंसी नहीं आया भी तो भी आप हंसिए, क्योंकि दूसरे लोग हंस रहे हैं, हम भी साथ में हंसेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो इसलिए आप दिल खोल के हंसिए। जितना आप ज्यादा हंसेंगे उतना ज्यादा आपका शरीर में ये एंडोर्फिन का प्रोडक्शन होगा और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हॉर्मोन है वो कम होगा। जितना ज्यादा आपका शरीर में एंडोर्फिन बनेगा उतना ज्यादा आपका एंग्जाइटी और पैनिक अटैक कम आएगा। जितना आप एक्टिविटी करेंगे उतना अच्छा आपको नींद आएगा, उसके वजह से आपको अगला दिन आप फ्रेश उठेंगे, आपका फ्रेश उठने से आपका एंग्जाइटी अटैक कम होता है, फिर से स्ट्रेस कम होता है, तो एंग्जाइटी अटैक और पैनिक अटैक आप पूरा का पूरा उससे बच सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी मैं आज एक्टिविटीज बताया उसको अपनाइए, उसको कीजिए, मैं पक्का बता सकता हूं आप एंग्जाइटी अटैक पैनिक अटैक से एकदम के लिए बच सकते हैं।